जी अस्सलाम वालेकुम शेख वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। मेरा सवाल ये है कि जैसे औरत प्रेग्नेंट हो जाती है जब, और फिर रमजान आते हैं, और फिर वो रोजा कोशिश करती है रोजा रखने के लिए, लेकिन 2-3 रोजा रखने के बाद उसको एहसास होता है कि मैं नहीं रख सकती हूँ, फिर उसका पूरा जी रोजा छूट जाए। फिर उसके बाद दूध पिलाने की मुद्दत रहती है, तो उसमें तो रोजा रख लेते हैं, फिर माहवारी भी आती है तो वो रोजे छूट जाते हैं। तो ऐसे करके 3-4 साल के रोजे हो जाते हैं, तो जो महावारी के हाँ रोजे वो तो रख लिए छूटे हुए, और बाकी जो हो गए 70-80 रोजे 2-3 साल के, तो वो नहीं हो पा रहे, तो मैंने फिदिया दे दी हूँ, तो क्या करना है इसके लिए अभी? देखिए, पहली बात तो ये कहना, मान लीजिए उसने रमजान का उसका 1 महीने का रोजा अगर छूट गया, उसके बाद उसकी डिलीवरी हुई तो उसको काफी टाइम मिलता है, उसके बाद उसे काफी टाइम मिलता है। और माहवारी के अय्याम के रोजे इतने या मान लीजिए किसी के जो है प्रेगनेंसी की वजह से नहीं, माहवारी की वजह से रोजे छूटे हैं, तो वो रोजे भी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। तो ये कहना कि कई साल के रोजे छूट जाते हैं, ऐसा मेरे ख्याल से वाकईतन ऐसा मुमकिन नहीं होता है। लेकिन बहरहाल सवाल आपके सवाल पर आते हैं, अगर किसी औरत के रोजे प्रेगनेंसी की वजह से छूटे हैं, रमजान के रोजे या बच्चे को दूध पिलाने की वजह से छूटे हैं, तो जी सवाल ये है यहां पर अहम कि बाद में जब वो उसका ये उज्र खत्म होगा तो वो क्या करेगी? क्या वो रोजा रखे रख करके कजा करेगी या वो मिस्कीनों को खाना खिलाएगी? इसमें दोनों तरह के अकवाल हैं, ये इख्तिलाफी मसला है। लेकिन सही बात ये है कि अगर प्रेगनेंसी की वजह से जो रोजे छूटे हैं या दूध पिलाने की वजह से जो रोजे छूटे हैं, उन रोजों का कजा नहीं करेगी, बल्कि हर रोजे की तरफ से हर एक जी रोजे के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाएगी। मेरी बात वाजे है शेख जी अरशद? जी वाजह है। प्रेगनेंसी की वजह से या हमल की या जो है दूध पिलाने की वजह से जो रोजे छूटे हैं, हर एक रोजे की तरफ से एक मिस्कीन को खाना खिलाएगी, और माहवारी की वजह से जो रोजे छूटे हैं उसका कजा करेगी, उसमें खाना नहीं खिलाना है उसको किसी को। जी हाँ, मैंने महावारी के तो मैंने छूटे हुए रख ली, लेकिन वही जो जी प्रेगनेंसी में मैं वो रोजे 2-3 साल के रोजे नहीं रखी, जैसे 2 साल में प्रेग्नेंट हो जा रहे तो वो रोजे छूट जा रहे, और बीच में दूध पिलाने की मुद्दत भी आ जा रही है बच्चों को 2-2 साल के, तो वो हर रोजे तो एक रख ले रोजे की लूंगी। तरफ से एक मिस्कीन को खाना खिलाएंगी।